शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश आपको लेक्चर नंबर 17 के बारे में आज बताऊंगा। मेरे 16 लेक्चर हो चुके हैं जो कि आपने काफ़ी सराहे भी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 17वां लेक्चर बेसिकली डिपेंड हमारा है कि किस तरीके से हम कुंडली के लिए निकालते हैं ग्रह, कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, मतलब कौन सा ग्रह शुभ फल देने वाला है और कौन सा ग्रह आपको शुभ फल नहीं देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम ये निकालना सीख गए किसी कुंडली में, तो प्रेडिक्शन करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो आज मैं आपको वही कुछ नियम बताऊंगा जो कि पूरा शास्त्र में वो नियम दिए गए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक नियम है, इसको जब भी आप कुंडली में लगाएंगे तो हमेशा 100% फिट बैठेंगे। तो आज उस नियमों में से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, कुंडली के टोटल मिला के 6 तरह के भाव होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया वो सामने कुंडली बनी हुई है। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, इस तरीके से हमारे पहले से लेके 12 भाव होते हैं। ये फर्स्ट जो है भाव को दर्शा रहा है, तो ये भाव हमारे टोटल 12 भाव कुंडली के अंदर होते हैं। अब इन 12 भावों में से कौन कौन सा भाव कैसा होता है और कौन से भाव के स्वामी जो ग्रह हो वो अच्छे होते हैं, तो मैंने जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सुंदर के लिए लिख दिया है कि त्रिकोण, त्रिकोण मीन्स ये वाला भाव और ये वाला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये हमेशा शुभ भाव होते हैं, त्रिकोणीय भाव। इसलिए जो भी ग्रह इन भावों का स्वामी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। त्रिकोण के स्वामी जो होंगे ग्रह वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। केंद्र भाव हमारे 4, 7 और 10 के आते हैं, 4, 7 और 10 ये हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। केंद्र भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह मीन्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं, शुभ ग्रह जैसे हमारे होते हैं शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध, पाप ग्रह हमारे होते हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। ग्रहों को इन दो भावों में विभक्त किया गया है। चंद्र शुभ ग्रह जब कहलाता है जब ये पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, बुध शुभ ग्रह जब कहलाता है जब वो शुक्र, गुरु या पूर्णिमा की तरफ जाते हुए चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो बुध भी शुभ ग्रह बन जाता है। अगर बुध इनमें से किसी एक ग्रह के साथ हो तो बुध अपनी शुभता खो देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 ग्रह शुभ और बाकी ये जो ग्रह 5 हैं ये हमारे पापी ग्रह या क्रूर ग्रह कहलाते हैं। तो केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, केंद्र के स्वामी अगर ये वाले ग्रह हो शुभ ग्रह, तो वो अपना रिजल्ट पॉजिटिविटी को भूल जाएंगे और रिजल्ट उनका 0 हो जाएगा, मतलब इट विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव बेसिकली। तो अपनी शुभ ग्रह होते हुए भी, शुभ ग्रह होते हुए भी केंद्र के स्वामी होने से, क्योंकि केंद्र राजगद्दी के स्वामी हो गए तो फिर वो अपनी शुभता को भूल जाते हैं, फिर वो पूरे शौकीन तरीके से व्यस्त हो जाते हैं अपनी सत्ता में, तो केंद्र जो है ये 0 हो गया। इसके विपरीत यदि केंद्र के स्वामी 4, 7, 10 भावों के स्वामी अगर पापी ग्रह हैं, ये वाले ग्रह क्रूर ग्रह है, तो ये अपनी क्रूरता को भूल जाते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो इनका उल्टा है, मतलब शुभ ग्रह हो तो 0 रिजल्ट, पाप ग्रह हो तो पॉजिटिव रिजल्ट, विपरीत रिजल्ट आता है। तो ये आप देखिए कि इस तरीके से केंद्र का हमारा इसमें किया हुआ। फिर आते हैं हमारे 3, 6, 11 भाव, इनके स्वामी कैसे होते हैं। अगर ये 3, 6, 11 भावों के स्वामी यानी 3, 6 और 11 इन भावों के स्वामी शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 भावों के स्वामी अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह मीन्स वही ऊपर कि शुक्र है, गुरु है, चंद्र है, बुध है, अगर ये इनके स्वामी होते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और अगर पापी ग्रह हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो 3, 6, 11 भावों के स्वामी अगर शुक्र है, 3 है, यहां पर स्वामी कौन है उनके, बुध, बुध शुक्र है माने जाते हैं, तो ये इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी कौन है, बुध, बुध भी अच्छे माने जाते हैं, तो इस भाव के रिजल्ट भी इस ग्रह के स्वामी के रिजल्ट ठीक मिलेंगे। 11 इनके स्वामी कौन है, शनि, तो यहां पर इनके स्वामी हो गए शनि, शनि मीन्स
पापी ग्रह में आ गए, तो इसका मतलब यहां पे शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पापी होने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि मैंने बताया कि 3-6-11 में स्वामी अगर शुभ है तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, 3-6-11 के स्वामी अगर अशुभ है, पापी ग्रह है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लग्न का स्वामी जो भी हो, नंबर एक भाव, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, तो लग्न का स्वामी जो भी हो वो सदैव शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखिए, जैसे यहाँ लग्न है, लग्न का एक है, लग्न का स्वामी कौन हुआ, मंगल, तो मंगल की इस कुंडली के लिए सदा शुभकारी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है धन, धन और व्यय, यानी दूसरा भाव और बारहवां भाव, इसको धन का भाव कहते हैं, इसको एक्सपेंडिचर का भाव बोलते हैं। ये दोनों भाव कुंडली के समभाव कहे जाते हैं, ना ही दुष्ट भाव ना ही पापी भाव, कुछ ऐसा नहीं बोलते इनको, इन दोनों को समभाव बोलते हैं, दोनों को ये समभाव कहलाते हैं। तो दूसरा और बारहवां भाव ये दोनों समभाव कहलाते हैं। अब इसमें तो ये कुछ रूल्स मैंने आपको थोड़े से बताए। अब इसमें मैंने जैसे आपको रूल बताया कि 5 और 9 के स्वामी जो होते हैं वो सदा शुभ होते हैं, त्रिकोण के स्वामी, जो केंद्र के स्वामी होते हैं अगर वो शुभ ग्रह हो, 4, 7, 10 के स्वामी शुभ ग्रह हो तो अपनी जीरो जेंडर का हो जाता है, पॉसिबिलिटी वो भूल जाते हैं। अगर उसी के स्वामी अशुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, 4, 7, 10 के मंगल शनि वगैरह, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि केंद्र आ गया, इसमें ये भी आ गया त्रिष्टा है, 3, 6, 11 भावों के स्वामी अगर शुभ हो तो वो शुभ रिजल्ट देते हैं, 3, 6, 11 भावों के स्वामी अशुभ हो तो अशुभ रिजल्ट देते हैं। 2 और 12 भावों के स्वामी कैसा रिजल्ट देते हैं और 8 का स्वामी कैसा रिजल्ट देता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा रूल्स। अभी आप इतने ही रूल्स समझ लीजिए। आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज इसको मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब करके, सो दैट मेरे अलग अलग वीडियो शेयर करने का मौका मिले। बाकी चीजें मैं आपको पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।